हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिन्नर.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। हम रेस्टोरेंट जाते हैं इसे खाने के लिए और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, तो आज इसे हम घर पे बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 250 ग्राम पनीर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा कप दही, 100 ग्राम क्रीम, 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, करीब आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून काजू जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, 1 टेबलस्पून काजू, इससे हम पेस्ट बनाएंगे, करीब 4 हरी मिर्च, आप चाहे तो इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल कोफ्ते तलने के लिए और सब्जी बनाने के लिए। आप सब्जी बनाने के लिए चाहे तो मक्खन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, खरबूजे के बीज और काजू को बॉईल होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए करीब। इसमें पानी डाल देंगे और उबलने के लिए रख देंगे इसे। हमारी प्याज हरी मिर्च वगैरह बॉईल हो चुकी है, तो मैंने गैस बंद कर दी है, करीब 5 मिनट उबाला इसे। अब इसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। अब पनीर को ग्रेट कर लेंगे। मैंने आलू और पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम अभी ग्रेवी में भी डालेंगे, और कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं आधा करीब। और इसे मसल मसल कर एक चिकना डो तैयार कर लेंगे, करीब 5 मिनट तक मसलना है इसे। ये देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम हाथ में हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि जो ये डो है हमारे हाथ में चिपके नहीं। हल्का सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे हाथ में, इसे इस तरीके से दबा देंगे और इसके अंदर किशमिश और थोड़े से काजू की फिलिंग कर देंगे इस तरीके से, और इसे बंद कर देंगे, फिर से रोल कर देंगे। इस तरीके से रोल करके इसे बचे हुए कॉर्नफ्लावर में रोल कर देंगे, इस तरीके से कोट कर देंगे इसे, और इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। अब इन्हें फ्राई करते हैं। हम कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे, तेज गरम करना है कोफ्ते तलने के लिए। ऑयल हमारा तेज गरम हो गया, हम गैस को धीमी आंच पे कर देंगे और इसमें कोफ्ते डालेंगे एक एक करके, और 2 या 3 से ज्यादा कोफ्ते एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फूट जाएंगे। और इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। कोफ्ते को हम पलट कर देखते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से, इसे ज्यादा नहीं छेड़ना। देखिए, हल्का कलर आने लगा है, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है।
ढक्कनी दूर दूर रखेंगे और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये देखिए निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे, तो सेम वही कढ़ाई ले लेंगे, इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल छोड़ देंगे, बाकी सारा निकाल लेंगे। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल छोड़ दिया है और गैस हमारी ऑन है और तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा भुन गया है, अब इसमें हम जो हमने पेस्ट रेडी किया था प्याज का वो डाल देंगे। और इसे भी भून लेंगे। अब इस पे हम काली मिर्च डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक ध्यान रहे हमने कोफ्ते में भी डाला था तो थोड़ा कम ही डालेंगे। हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे करीब 3-4 मिनट तक। मसाले को मैंने करीब 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। मैंने दही को भी करीब 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। क्रीम को भी हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसमें करीब आधी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। इसे भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से और इसे 2 मिनट तक और भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। और 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। करीब 2 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हम एक सर्विंग डिश लेंगे, उसके अंदर कोफ्ते रखेंगे। और ऊपर से ग्रेवी डाल देंगे। और ऊपर से हल्का सा कसूरी मेथी डाल देंगे। ये देखिए हमारा मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। देखने में भी बहुत सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।